बेगूसराय में मानवता को संसार करती एक तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक को पकड़कर हाथ पैर बांधकर पहले जमकर पिटाई की और फिर उसे लगातार घंटों खंभे में बांधकर रखा। मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पन्हास वार्ड 26 की है। बताया जा रहा है कि पन्हास निवासी संजीव सिंह एवं उनके परिवार के सभी सदस्य पड़ोस में हो रहे एक समारोह में शरीक होने के लिए गए थे और चोरों ने इसका फायदा उठाकर उनके घर से ग्रिल एवं मोटर की चोरी कर ली। लेकिन सुबह जैसे ही संजीव सिंह अपने घर पर पहुंचे तो उन्होंने बाघा निवासी मोनू कुमार को ग्रिल लदा ठेला रिक्शा से भागते देखा। तब लोगों ने मोनू कुमार को पकड़कर खंभे में बांध दिया एवं उसकी पिटाई शुरू कर दी। खास बात तो यह है कि लोहिया नगर एवं मुफस्सिल थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई इस घटना की भनक तक पुलिस को नहीं लगी। गनीमत रही कि किसी तरह चोर की जान बच गई। आरोपी मोनू कुमार के अनुसार तीन लड़कों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और उसे सिर्फ 100 का भाड़ा कहकर ठेला लाने के लिए कहा गया था, लेकिन सामान ले जाते वक्त लोगों ने उसे पकड़ लिया। पीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। चार गो था है ना, तीन गो था, हमको खाली 100 रुपया दिया, बोला कि ठेला लेके तुम चलो, तुमको हम 100 रुपया देंगे। तीन गो था, वो बोल रहा था कि एन एस साथ ही लेना है, अकेले किया हमको नहीं पता है, बोला कि तुम चलो ना अंदर घुसो ना खाली, हम खाली अंदर घुसे, बस अंकल जी देख लिए।